मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। सो गाइज, आज मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, और आज मन किया कि मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर किया जाए। और मतलब वैसे भी होता ही है कि अगर सुबह से स्टार्ट कर दी तो सुबह से स्टार्ट हो ही जाता है, और सुबह से स्टार्ट कर दूंगी तो शाम तक तो एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली बाय डेली ब्लॉग जाता है। आज का ही ब्लॉग आज जाता है। वैसे ज़्यादातर होता है ना कि लोग एक दो दिन पहले का ब्लॉग शेयर करते हैं, चार पाँच दिन पहले का ब्लॉग शेयर करते हैं बहुत लोग, तो क्योंकि वो शूट करके और सारा कुछ काम करके रखे रहते हैं और अपलोड करते जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता, मैं डेली करती हूँ। और अभी नहा करके आई थी, और सुबह से मतलब उठी हूँ, झाड़ू पोछा करके नहा करके उसके बाद से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर झाड़ू पोछा करती तो सीधा मॉर्निंग रूटीन ही डालना पड़ता है, क्योंकि बड़ा ब्लॉग हो जाता है। जैसे कि झाड़ू पोछा करो, कुछ इधर उधर करो, बर्तन धो, मतलब हो ही जाता है, ब्रश करो, नहाओ, तो इतना छोड़ करके मैं नहाने के बाद से स्टार्ट की। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, नवरात्रा का दिन चल रहा है तो सभी लोग पूजा करते ही होंगे। पूजा में भी शॉर्ट, ऐसा नहीं कि जितना देर करो उतना देर का, क्योंकि जो जो पढ़ूंगी ऐसा थोड़ी ना कि सारा कुछ लूँगी, तो बस ऐसा दिखा रही हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। अभी मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ, और नाश्ते के लिए बॉयल आलू रखा हुआ था फ्रिज में, तो सोचा कि आलू और आटा में जो बनाते नहीं आलू पराठा, वो वाला बना रही हूँ, तो इसी में प्याज और आलू सब कुछ मिला करके और पराठा बना रही हूँ। बट खा नहीं पाई थी, मैं बता रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आज क्या हो रहा है ना, मतलब बहुत हेवी हेवी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। खाने का भी मन नहीं किया, मैं मतलब आधा खाई आधा छोड़ दी। तीन पराठा बनाई थी, तीन में आधा खाई थी आधा छोड़ दी, और मीठी भी नहीं खाई। मैं सोची थी मीठी खाएगी, बट मीठी का कभी मन करता है तो खाती है, कभी नहीं खाती है, बस उसका ऐसे ही चलता है। ये देखिए, घी डाल के मैं पराठा बना लूँगी, सेक लूँगी, और गरम गरम अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पर आज पहली बार मैं नहीं खा पाई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस मैं नाश्ता करके और जो सुबह का मेडिसिन लेना होता है वो ले करके और मैं आराम करूँगी। और मतलब नाश्ते के बाद जो होता है वो कैल्शियम का गोली खाना होता है, और रात में आयरन का, मैं ऐसा खाती हूँ। आप लोग कैसे खाते हो बताना, मतलब होता होगा ना कहीं चेंज होता होगा, तो मुझे तो डॉक्टर ने ऐसा ही बताया है, दिन में कैल्शियम और रात में आयरन लेना है बेड टाइम में, और जो दूध में मिला करके पीने वाला प्रोटीन होता है वो लेना है। तो ये देखिए, दही और पराठा है, दही में थोड़ा सा काला नमक डाली हूँ, वैसे दही मसाला मेरा ख़त्म है। और ये दोपहर का क्लिप है जहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल, दाल और सब्जी और भुजिया। तो यहाँ दाल छौंकने के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी, और ये भुजिया काट के रखा हुआ है, और चावल भी चढ़ा हुआ है, दाल बन गया है, बहुत कम दाल दिख रहा होगा। ये लौकी का सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ अभी, तो बस सारा प्रिपरेशन हो करके, और मैं पूरा बनाते टाइम का नहीं दिखा पाऊँगी। लंच हो गया था, उसके बाद ये है कुछ कपड़े जिसको फोल्ड करने हैं। अभी गर्मी के मौसम में मुझे सारा काम पहाड़ ही लगता है, मतलब पहाड़ लगना कहने का मतलब बहुत भारी लगता है। और अभी जिस रूम में मैं फोल्ड कर रही हूँ, इस रूम के ऊपर घर नहीं है, इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बट यहीं पे कपड़ा है तो मैं सोच रही हूँ यहीं से फ़ोल्ड करके ले जाऊँ। और बस सारे को अलग अलग करके फोल्ड मैं करती हूँ, जैसे मेरा है तो अलग करके रख दी, हस्बैंड का अलग और मीठी का अलग, तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके। और दोपहर मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि छूट जाता है तो पूरा बेड पे भरा रहता है, और लगता ही नहीं कि ये धुला हुआ कपड़ा है, पूरा मैसी मैसी दिखता है, लगता है कि सारा गंदा ही कपड़ा है, और रह ही जाता है मेरा। ऐसा है नहीं कि मैं डेली का डेली कर लूँ, क्योंकि रह ही जाता है, जैसे अभी अगर मैं नहीं करती ना तो ये रह जाता और मैं आराम करने चली जाती। तो वैसे ही आराम करने के बाद का ही है, नाश्ता करने के बाद बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों आज हो रहा है। और मुझे लग रहा था कि अभी से, अभी 8 मंथ स्टार्ट ही हुआ है, अभी से ही ऐसा होगा क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। आराम करने के बाद जब उठी तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, बट फिर भी वैसा ही हेवी हेवी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि काम ना करूं, बट नहीं करूंगी तो फिर फैला फैला रहेगा, और करेगा तो कौन करेगा, एक मैं हूँ, एक हस्बैंड है, और अगर वो ऑफिस रहेंगे तो घर का काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। घर पे रहते हैं तो वैसे बहुत हेल्प करते हैं, बट ये फोल्ड वगैरह काम वो ज़्यादातर नहीं करते, मैं ही करती हूँ फोल्ड का काम। वो कपड़े डाल देते हैं और मशीन में डाल देते हैं, कपड़े भी डाल देते हैं, बट उतारना और फोल्ड करना मेरा ही काम है। और ये दोपहर में मैं आराम से कर लेती हूँ बैठ करके, उसके बाद फिर से मैं आराम करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी काम करके थक जाते हैं तो फिर लगातार काम नहीं करना चाहिए वैसे भी, क्योंकि थकावट ज़्यादा हो जाता है और गला सूखने लगता है। तो पानी वानी पी करके थोड़ा सा आराम करूँगी, और फिर हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं, मिठी तो आज जल्दी सो गई थी, मैं और मिठी दोनों जल्दी सो कर जल्दी उठ गए, मतलब 11:30 में ही सो गए थे, और 1:30 बजे के करीब में उठ गए थे, उसके बाद लंच बनाई थी।
और लंच वगैरह करने के बाद, आराम करने के बाद ये काम कर रही हूँ, और इसके बाद फिर से थोड़ा देर आराम करूँगी और उसके बाद किचन में आ गई हूँ। ये देखिए चाय बना रही हूँ मैं। एक तरफ बन रही है हमारी चाय और शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 लगभग हो रहा है, 4:30 हो रहा है। और यहाँ पे मिट्टी का दूध, एक्चुअली दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको ठंडा करती हूँ पानी में डाल करके। तो ये मिट्टी का दूध है, चॉकलेट मीठी के दूध में मैं पीडियाश्योर देती हूँ और वो 4 चम्मच ही देना होता है। तो मीठी अगर 3 बार दूध पीती है दिन से रात तक या फिर 4 बार, तो 2-2 चम्मच अगर दूंगी तो 8 चम्मच या 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देना है। तो मैं सुबह में ज़्यादा दे देती हूँ और दोपहर से शाम तक अगर मांगती हूँ तो कम देती हूँ। और ये रहा चाय, तो मैं अपना चाय बहुत कम क्वान्टिटी में ले रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कप में आधा से भी कम है, क्योंकि मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ और दोनों टाइम आदत सी है। आज तो मैं सुबह में नहीं पी थी, लेकिन पीने आदत है तो मैं पीती हूँ। तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी लेती हूँ, जैसे आधा कप या कभी कभी आधा कप से कम भी ले लेती हूँ, क्योंकि चाय ज़्यादा नहीं पीना होता है, चाय और कॉफ़ी नहीं लेना होता है, बट आदत है तो थोड़ा सा ले भी लो, टेस्ट भी आ जाएगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और हस्बैंड सोए हुए थे, इनका ऐसे ही आ गया है। और मीठी को यहाँ पे दूध दे रही हूँ, इसको मतलब दूध ही पिलाने में बहुत ये करना होता है, जब तक दूध पीते रहती है तब तक कुछ ना कुछ बोलते रहो कि बड़ी हो जाएगी पी करके, स्ट्रांग हो जाएगी, गिरेगी नहीं, खेलेगी, जीत जाएगी, ये वो मतलब बकबक करते रहो। ऐसा लगता है कि चुप जाऊंगी ना तो ये छोड़ देगी, बाद में बहल करके पी जाती है। तो बस इसको वही पिला रही हूँ और 1 गिलास दूध पीने में इतना टाइम लगाती है, पकड़ के दांत से पकड़ लेती है और ऐसे पकड़ के रखी रहती है, पीते ही नहीं रहती, या फिर मुंह में लगाई रहेगी, ऐसा लगेगा कि पी रही है और पीते ही नहीं रहती है। अब घोटने के लिए तो उसको ही घोटना पड़ेगा ना, हम तो नहीं घोट जाएंगे, तो वही दिक्कत होता है इसके साथ। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, बट बहुत नाटक करती है, इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा पतली है। बच्चे जब कुछ लेंगे नहीं तो उसका ग्रोथ कैसे होगा। तो बस देखिए हस्बैंड पी भी लिए चाय और मेरा चाय ठंडा हो रहा है क्योंकि मीठी का दूध पिला रही थी। तो माँ का यही होता है, माँ पहले बच्चे का ही देखेंगे। देखो पापा कितना भी कुछ करते हैं, लेकिन जितना माँ करती है उतना नहीं कर पाते हैं वो, मतलब अपना घर का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, वो सबसे बड़ी बात होता है, इसलिए मतलब बोल सकते हैं और करते भी है, बट जितना माँ करती है उतना कोई भी माँ, कोई भी जितना माँ करती है उतना पापा नहीं कर पाएंगे, और एक्चुअली नहीं कर पाएंगे, उनसे होगा ही नहीं, वो चाहेंगे भी तो भी नहीं होगा। हमारा छोटा छोटा काम होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं देता है कि अरे ये भी कोई बात हुआ, लेकिन हम लोग एक बार में तैयार होते हैं बच्चे के लिए। एक बार अगर पानी मांग दे, एक बार दूध मांग दे, एक बार कुछ मांग दे, या नहीं भी मांगा तो भी ध्यान आता है, अरे इतना देर हो गया इसने दूध नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तो उसको मतलब टेंशन सी हो जाती है कि इसको खिलाना होगा, अभी तक इसके पेट में कुछ नहीं गया है, मतलब कुछ भी ऐसा खा ले कम से कम पेट में चला जाए। तो माँ का बात ही अलग होता है। और यहाँ पे मैं फ़ोन बार बार जो हस्बैंड को दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ कपड़े ऑर्डर करने थे, जैसे कि मुझे कुछ कपड़े लेने होते हैं ना तो मैं ऐड टू कार्ड में भर देती हूँ, 20, 25, 26 भर देती हूँ, लेना होता है 4 या 3 मान लो, तो 25, 26 भर दूँगी, जो जो पसंद आएगा भर दूँगी, उसके बाद जब लेना होगा तो उतना ले लेंगे। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि कौन कौन सा लेना है अभी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अभी उनको करना था, तो वही मैं दिखा रही थी ये सही है वो सही है। और 3-4 कपड़े ऑर्डर करने थे मुझे गर्मी के लिए। और उसके बाद शाम के टाइम में कभी कभार मैं मोमोज खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बाहर का खाना चटपटा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस टाइम पे खास करके। तो ये देखिए कितना मतलब माउथ वाटरिंग है ना, एकदम देख के ही मुंह में पानी आ जाने वाला है, बहुत ही यम्मी लगता है मुझे। और कुछ फ्राई मोमोज है और कुछ स्टीम है, ये देखिए फ्राई मोमोज भी है, ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, बट मैं फ्राई थोड़ा कम खाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है स्टीम वाला ही। और इसकी चटनी भी बहुत लाजवाब होती है और मेयोनीज भी बहुत लाजवाब रहती है, तो आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है मोमोज मुझे। और यहीं पे मेरा शाम ख़त्म हो जाता है, इसके बाद रात का रूटीन। ठीक गाइस, तो आज का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन में जितना हो पाया है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी जस्ट बर्तन धो करके आई हूँ, इसलिए मेरा ये पूरा गीला है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लग रहा है देखने में, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पे, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा लग रहा होगा। आप लोग जितने भी प्रेग्नेंट हैं वो बताइएगा आप लोगों को गर्मी कितनी लग रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे शायद ज़्यादा है और भी, और मुझे लगता भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी काम करने में गर्मी की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अभी बस इतना ही शेयर कि इस जैसे कि सुबह से शाम तक में किसी दिन इससे कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, किसी दिन इससे कुछ कम काम हो जाता है, किसी दिन इतना ही रूटीन रहता है, और उसमें भी कुछ मैं सूट करती हूँ, कुछ
नहीं भी शूट करती हूँ, तो इस वजह से जितना हो पाया है मैंने शूट किया है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम को दिखाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। जैसे बर्तन धोने का अगर मैं क्लिप लेती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही शेयर करती रहूँगी मैं ब्लॉग्स। आप लोग पसंद कीजिएगा तो और भी ज़्यादा मुझे मन करेगा शेयर करने का, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सब लोग कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग हैं मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।